हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज की इस लीगल अपडेट में हम सितंबर मंथ में होने वाली सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा बुलडोजर एक्शन के ऊपर बहुत बड़ा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी राहत दी है, केजरीवाल को बेल दिया है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में बड़े कम समय में समझने की हम कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी डिटेल PDF आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करा दी गई है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज के सबसे पहले अपडेट की, जिसका नाम है जावेद अली महबूब मियां सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस बेसिकली आपके जो डिमोलिशन एक्टिविटी होती है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, उनके घर को जो तोड़ा जाता है म्यूनसिपैलिटी के द्वारा या जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जब कभी वो किसी भी क्रिमिनल केस में इंडल्ज होते हैं तो उसको लेकर ये केस बेसिकली किया गया था। यहाँ पे एक पर्सन थे जिनकी फैमिली मेंबर को धारा 333 के अंदर में, BNS के अंदर में जो है वो चार्ज किया गया था और इसी की वजह से वहाँ पे उनको बार बार जो है वो थ्रेट आ रहे थे म्यूनसिपल अथॉरिटी से कि उनके घर को बुलडराइज किया जाएगा, है ना, उनके घर को तोड़ दिया जाएगा। वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर के खिलाफ अभी सिर्फ एक क्राइम का एलिगेशन लगा है, ठीक है, इवन अगर वो प्रूव भी होता है, ठीक है, वो उसमें इंडल्ज भी है, तब भी यहाँ पे किसी भी तरीके से मेरे घर को तोड़ने की का परमिशन जो है वो अथॉरिटी नहीं रखते, तोड़ने का राइट अथॉरिटी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो जो घर है मेरा, उसमें मैं 3 जनरेशन मेरी रह चुकी है, हम उसमें 20 साल से वहाँ पर, ज़्यादा साल से वहाँ पर रह रहे हैं और उस पर सारे लीगली पेपर हैं मेरे। तो किसी का क्राइम करना और किसी के घर पर बुलडोजर चलाना, इसका कोई भी एक वैलिड कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी राइट नहीं है अथॉरिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बातों को माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही बात है कि जो भी होगा प्रॉपर्टी डिमोलिशन का, वो एक लॉ के तहत होना चाहिए, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा लीगल प्रोसेस प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अगर आप उस लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते हैं, तो दैट मीन्स वो डिमोलिशन जो है वो इनवैलिड है। और कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि इस तरीके का जो भी एक्टिविटी है उसको कोर्ट ने कहा कि ये एक रनिंग है बुलडोजर ओवर द लॉ ऑफ द लैंड, एक लॉ के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं। हमारा कोई भी एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी एक्टिविटी एक लॉ के तहत होनी चाहिए। अगर आप उस लॉ को फॉलो किए बगैर आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, उस एक्ट को कर रहे हैं, उन ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप हमारे जो लॉ हैं उनके ऊपर ही एक बुलडोजर को चलाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें हैं जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लेरिफाई करी इस केस में। दूसरा भी सेम ऐसा ही केस है, केस का नाम है जमाते उलमाए हिंद वर्सेस नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये भी बेसिकली बुलडोजर एक्शन के ऊपर केस है। आप सभी को मालूम होगा कि जो दिल्ली की जहांगीरपुरी एरिया है वहाँ पे नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक डिमोलिशन ड्राइव कंडक्ट की थी, जिसको चैलेंज किया मुस्लिम बॉडी ने, जमाते उलमा ए हिंद ने, ठीक है। या इनका कहना था कि ये बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उनके घर को डिमोलिश किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट ने इन पूरी चीज़ों को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी घर बिना कोर्ट की परमिशन से यहाँ पर नहीं तोड़े जाएंगे, एक्सेप्ट वो घर, वो स्ट्रक्चर जो अनऑथराइज बनाए गए हैं ऑन पब्लिक रोड, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे लाइंस और पब्लिक प्लेस। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो घर वगैरह हैं, अगर उनका आप कहते हैं कि वो इलीगल है, अनऑथराइज है, इलीगल ऑक्यूपेशन है वो सारे घर, तो पहले आपको यहाँ पर कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिमोलिशन का यहाँ पर एक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक्विजिशन के बेसिस पे इंडिविजुअल के, है ना, आप इस बेसिस पे किसी का घर डिमोलिश नहीं कर सकते और ये राइट आपको कहीं से भी नहीं आता। तो आप लोगों ने देखा होगा MP में, UP में, बहुत सारे स्टेट्स में ये एक एक्टिविटी ट्रेंड स्टार्ट हो गया था कि किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो उसका घर सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। तो इन चीज़ों पे एक तरह से इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो तीसरा जो हमारा केस है वो है AS फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नैति मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये केस बेसिकली हमारा जो 138 NI एक्ट का मामला है उससे रिलेटेड है और उसके साथ साथ जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की सेक्शन 482 CRPC में उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मैं बताऊँ तो केस के फैक्ट के बारे में, तो इस केस में ये होता है कि जो AS फार्मा कंपनी होती है वो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उससे यहाँ पर एक चेक लेती है, उनको यहाँ पर कुछ पैसे मिलते हैं, है ना, और ये जो पैसे इशू किए जाते हैं नयाति मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड से इशू किए जाते हैं जो यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट है, और उनका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये मामला
कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट में यहाँ पर जो एपिलेंट है बेसिकली जो जिन्होंने पैसा लिया था जिन्होंने चेक दिया था, वो बेसिकली कहते हैं कि हम जो भी अमाउंट है वो पे करने के लिए राजी हैं, हमको इस केस को कंपाउंड कराना है। डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो रिजेक्ट कर देती है, ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट जो है इस मामले को सेक्शन 482 सीआरपीसी में सुनती है और सुनने के बाद यहाँ पर कहती है कि 482 में हमारे पास इनहेरेंट पावर है और सेक्शन 147 एनआई एक्ट में हमारे पास पावर है कि हम इस केस को कंपाउंड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, और यहाँ पर हाई कोर्ट इस मामले को कंपाउंड कर देती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, जब भी कोई मामले का आप कंपाउंड करेंगे मतलब उस केस को आप रफा दफा करेंगे तो उस सिचुएशन में सामने वाला जो पार्टी है मतलब कि जो कंप्लेंट है उसकी कंसेंट इज मैंडेटरी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंप्लेंट द कोर्ट कैन नॉट कंपाउंड एनी केसेस अंडर बाय एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी एंड अंडर सेक्शन 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हालांकि इस केस में होता क्या है कि वो जो पर्सन होते हैं जिनका चेक बाउंस होता है वो 12% के इंटरेस्ट के साथ जो है पैसा जमा करा देते हैं, तो कोर्ट यहाँ पे उनके खिलाफ केस जो है ख़त्म कर देती है, बट कोर्ट यहाँ पे एक रूलिंग देती है कि इस तरीके से केस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता क्योंकि कोर्ट का कहना है कि भाई पैसे उनको मिल गए इंटरेस्ट के साथ मिल गए तो अब केस को आगे चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, बट ये जो तरीका है केस को खत्म करने का वो यहां पे तरीका आपका सही नहीं है, ये पावर क्योंकि कोर्ट के पास है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज निलय राय एंड अदर्स वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली वो केस है जिसमें फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है कि वो अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फाइनल ईयर हमेशा यहां पे याद रखिएगा फाइनल सेमेस्टर, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो जैसे कि सबसे पहले एक आपका केस आया था बोनी फोई लॉ कॉलेज का एक डिसीजन 2023 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला था कि आप रूल्स बनाएं और यहाँ पर जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ करें कि वो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू देयर एग्जामिनेशन, है ना, जो भी उनका एग्जाम का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे हम उनको चीज़ें देंगे, मतलब कि उनका पहले का सारा एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए चाहे वो एलएलबी कोर्स में हो चाहे वो बीएलबी कोर्स में हो, और अगर वो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उनका एआईबी भी यहाँ पे क्लियर नहीं माना जाएगा, और इसके लिए उनको रूल बनाने के लिए कहा गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल नहीं बनाया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया एआईबी 19 का, और इसी एआईबी 19 के नोटिफिकेशन को यहाँ पर 9 फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट ने जो कि कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर 1 फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसको बेसिकली चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो है एक तरह से आर्बिट्री है, अनरीजनेबल है, क्योंकि यहाँ पे उनको यहाँ पर कोई भी मौका नहीं दिया गया। जब मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा, फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें रूल बनाने का टाइम चाहिए कम से कम 4 से 6 महीना, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर उतना टाइम हम आपको देंगे तो हमारे पास ये जो चांस है अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एआईबी का एग्ज़ाम देने का वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर एक इंट्रीम ऑर्डर पास किया और यहाँ पर पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर अब परमिशन दी जाएगी कि वो जो है इस AIB एग्ज़ाम में जो कि नवंबर में होने वाला है उसमें बैठ सकते हैं, और इसी के रिगार्डिंग में बहुत सारे फिर रूल्स एंड रेगुलेशन और नया नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू कर दिया है, एक नए तरीके का फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो इशू कर दी गई। सो जो लास्ट केस है आज का हमारा वो है जस्टिस राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड अदर्स वर्सेस एस हरीश एंड अदर्स। बेसिकली ये केस जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। अब वैसे तो मुझे ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड को ही चीज़ यूज़ करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस वर्ड की जगह पे आप यूज़ करेंगे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल। सो बेसिकली इस केस में था कि एक 20 ईयर ओल्ड मैन को एक्यूज़ किया गया था फॉर डाउनलोडिंग पोर्नोग्राफी कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन ऑन हिज मोबाइल फ़ोन। इस चीज़ को यहाँ पे इस केस को बेसिकली यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया गया। कहने का मतलब है कि जो FIR थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको यहाँ पे कॉश कर दिया गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
ये जो है एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पॉस्को एक्ट, और यहाँ पे इस पोर्शन के खिलाफ आप केस को जो है ख़त्म नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि कोई भी पर्सन अगर जो है डाउनलोड करता है, वॉच करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो, तब वो एक ऑफेंस कमिट करता है और उसको लायबल किया जाएगा पॉस्को एक्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पार्लियामेंट को सजेस्ट भी किया कि आप जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड है उसको चेंज करके चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल जो है एक वर्ड रखें, और यहाँ पे जितने कोर्ट हैं उनको भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड यूज़ करने से यहाँ पे मना किया है। तो बेसिकली ये जो है सारी अपडेट्स थी आज तक की हमारी इस पूरे मंथ की, सितंबर मंथ की, जिसको हमने बड़े ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।